गुरु घासीदास के जो वर्तमान में पार्षद है जो शीतल बोगा, वो पूरा निष्क्रिय है। सिंधी कॉलोनी बोर में वहाँ देखो तो कचड़े वगैरह सब वहीं हैं, पड़े रहते हैं। और उनकी मानसिकता यह है कि वहाँ के सिंधी जो लोग हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग है करके, वो उनकी मानसिकता यह है कि यहाँ के लोग मेरे को वोट नहीं दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग है करके वो अवैध करती है। भी कोई वहाँ के नागरिक उनको फ़ोन करते हैं तो उनके जो पतिदेव है जो शासकीय कर्मचारी है वो फ़ोन उठाते हैं, और फ़ोन उठाने के बाद संतोषजनक जॉब नहीं मिलता है वहाँ। अगर एक आध घंटा पानी गिर गया तो गुरु घासीदास वार्ड के जो सिंधी मोहल्ला है हमारे, एक से गली है, उसको आप देखोगे कि पानी इतनी भर जाती है कि घरों में पानी चले जाएगी। नाली नाली का पानी, नाली को साफ किया नहीं जाता है तो साफ नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो पानी घर में घुसे। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72। आज गुरु घासीदास वार्ड में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे शेखर छेदैया की धर्मपत्नी के निवास में हम आए हैं, और शेखर छेदैया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रदेश मोर्चा एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं शेखर छेदैया जी, और उनसे हम जानेंगे गुरु घासीदास वार्ड में उन्होंने पिछले समय अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाया था और वहां से उनकी पराजय हुई थी और श्रीमती शीतल बोगा कुलदीप की विजय हुई थी। सबसे पहले न्यूज़ 72 में शेखर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद शेखर जी, आप वहाँ पर गुरु घासीदास वार्ड में जाकर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाए थे और आपने उस वार्ड में बहुत दौरा किया है और वस्तु स्थिति आप जानते हैं। कांग्रेस की जो पार्षद है श्रीमती शीतल बोगा कुलदीप जी, वहाँ आप 4.5 वर्ष हो चुके हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? शीतल बोगा के कार्यकाल जो है वो निष्क्रिय है, या वो कोई भी नागरिक जाते हैं जब भी जाते हैं उनके पास वो काम नहीं करती है। एक्चुअल उनके जो पति है जो सरकारी नौकरी में है, पशु चिकित्सालय में है एक्चुअल, तो वो जब भी कोई फ़ोन करे या कोई ऐसा कुछ मांग के लिए जाए तो बस उन्हीं का जवाब रहता है कि नहीं है करके। कोई वार्ड से संबंधित विकास के काम को लेकर जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? अब वो एकदम से निष्क्रिय होके बोलते कि नहीं है अभी फिलहाल करके, और काम जो है काम तो करती नहीं है वो, निष्क्रिय एक्चुअल। आप वार्ड का जो भ्रमण करते हैं, वार्ड में आपकी सक्रियता बनी हुई है, क्या क्या मुख्य रूप से वहाँ समस्या देखने को मिलती है? नाली है, सड़क है, ये साफ सफाई का जो है वो नहीं होता है, ज़्यादातर वहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है, जटिल है। गर्मी के दिनों में पानी की कैसी व्यवस्था होती है? अरे वहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, वहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत थी पानी की। तो आप अपने स्तर पे वहाँ पर कुछ करते हैं लोगों के काम धाम विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए आपका प्रयास तो मैं करते रहता हूँ हमेशा, जा के लोगों के बीच में जाके, और बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे हैं नगर निगम के उनसे भी बात होती है मेरी। शीतल बोगा वो पूरा निष्क्रिय है, काम इतना अच्छा सा नहीं है उनका। निष्क्रियता का आरोप कैसा लगा रहे हैं, क्या माने आप देखते हैं? आप वार्ड भ्रमण में जाते रहे होंगे, क्या क्या काम, क्या क्या वार्ड में कमियां? जैसे कि हमारे यहाँ के वहाँ 1 नंबर से 7 नंबर की गली जो है, वहाँ गुरु घासीदास वार्ड का जो सिंधी मोहल्ला है, जो 1 नंबर से 7 नंबर की गली में देख लो आप, सिंधी कॉलोनी बोल रहा हूँ मैं, वहाँ देखो तो कचड़े वगैरह सब वहीं हैं, पड़े रहते हैं। और उनकी मानसिकता यह है कि वहाँ के सिंधी जो लोग हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग है करके वहाँ निष्क्रिय करते हैं, उन लोग दुआ भेद करते हैं। किसकी मानसिकता है? ये पार्षद जो वर्तमान पार्षद है हमारे, क्या नाम है? कुलदीप बोगा। वो उनकी मानसिकता यह है कि यहाँ के लोग मेरे को वोट नहीं दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग है करके वो दुआ भेद करती है। गुरु घासीदास वार्ड के पार्षद का व्यवहार कैसा है? गुरु घासीदास कुलदीप बोगा जो पार्षद है वर्तमान में, जब भी कोई वहाँ के नागरिक उनको फ़ोन करते हैं तो उनके जो पतिदेव है जो शासकीय कर्मचारी है वो फ़ोन उठाते हैं, और फ़ोन उठाने के बाद उनको बोल दिया जाता है कि नहीं है अभी करके,
मतलब ना अनुकूल करके इधर उधर की बातें करके वो टरका देते हैं, समझो संतोषजनक जॉब नहीं मिलता है वहाँ से। शेखर छेदैया जी, अभी 6 महीने के बाद फिर नगर निगम का चुनाव होना है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है वार्ड में? हमारी तैयारी अच्छी है, बढ़िया है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे कि फिर से अगर टिकट देंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे, और अच्छी तैयारी है। अगर नहीं देती है कोई भी लड़े, लेकिन हम उनके साथ जाके काम करके, और कांग्रेस के जो पार्षद है हमारे कुलदीप बोगा, बिल्कुल उसको हराने की पूरी तैयारी करेंगे हम लोग मिल के, कंधे से कंधे मिला के। किसी को भी अगर पार्टी किसी को भी देती है टिकट, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम काम करके, और भारतीय जनता पार्टी के तो मैं कार्यकर्ता हूँ, तो इस नाते तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वार्ड पार्षद बनाना ही है हमको, आज नहीं तो कल। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ वासियों, सब बहनों माताओं को मेरा नमस्कार। मैं भाटा गांव आछी तालाब शीतला चौक से मैं बोल रहा हूँ, और मेरी छोटी सी दुकान है जो श्री जया फैशन के नाम से है, और मैं आप सभी महिलाओं से और सभी माताओं से भी बहनों से मैं निवेदन करूं कि आप सभी के लिए हमारे पास भरपूर वैरायटी है, साड़ियों से लेकर हर चीजों से लेकर आपके सब रिलेटिव से जो भी आपको चाहिए वो सब सामान मिलेगा। हमारा पता है भाटा गांव शीतला चौक आछी तालाब के सामने हमारी दुकान है, जो आप एक बार जरूर पधारें। सभी से मेरा निवेदन है।